नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो दोस्तों, फाइनली कुछ पिछले वीडियोस से जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 50 के बजट में आपको बेस्ट वीडियो एडिटिंग प्लस गेमिंग पीसी बना के दिखाऊंगा, तो ये कंपोनेंट्स आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और फाइनली आज हम उस पीसी को असेंबल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं आप यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोसेसर, जो कि है Ryzen 720 700। इट पैक्स 8 कोर्स 16 थ्रेड्स और यहाँ पे ये जो हमें पड़ा वो हमने Amazon से लिया था 16,500 रुपये का। इन सारे प्रोडक्ट्स की मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना रखी है, तो मैंने लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो किसी को भी अनबॉक्सिंग वीडियो वॉच करनी हो या उसका रिव्यू देखना हो तो वो इन वीडियो को जाके वॉच कर सकता है। और गाइस, अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि यार Ryzen 720 700 क्यों लिया आपने, Ryzen 5 3600 क्यों नहीं लिया। तो बेसिकली गाइस, आई अंडरस्टैंड और आई नो कि Ryzen 5 3600 इज़ 5 to 10% फास्टर देन Ryzen 720 700। बट अगेन, मेरे क्लाइंट की जो प्रायोरिटी थी वो थी वीडियो एडिटिंग, पहले वीडियो एडिटिंग बाद में गेमिंग। वीडियो एडिटिंग को देखते हुए गाइस, यहाँ पे अगर आप Ryzen 5 3600 लेते हैं तो अगर आप 2K वीडियो तक, 2K रेजोल्यूशन तक की वीडियो को एडिट करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा, Ryzen 7 से आगे निकल जाएगा। जहाँ तक वो 6 कोर्स की यूटिलाइजेशन होगी ना, वहाँ पे Ryzen 5 3600 जो है आगे निकल जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप 4K रेजोल्यूशन पे जंप करेंगे वीडियो एडिटिंग पे, वहाँ पे वो मात खा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली 2 कोर्स का इम्पैक्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और यही एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है गाइस कि अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन के दौरान Ryzen 5 3600 यार 19 से 19,500 का पड़ रहा था और ये हमें 16,500 का पड़ा है। तो ड्यू टू दीज प्राइस रेंज ऑल्सो वी हैव टू गो फॉर द Ryzen 7 2700। सो गाइज, यहाँ पे बात कर लेते हैं अब इसके मदरबोर्ड की। तो जो मदरबोर्ड हमने इसमें यूज़ किया है वो है ASUS EX-A320M गेमिंग मदरबोर्ड। नाउ आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया आपने B450 चिपसेट का मदरबोर्ड क्यों नहीं लगाया, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन गाइज, इस लॉकडाउन सिचुएशन के दौरान उसके प्राइसेस बहुत हाई हो रखे हैं, विच इज़ अराउंड 8,000 और ये मदरबोर्ड हमें पड़ा 5,000 का, तो दैट इज़ वाई। लेकिन अगर कुछ लोग B450 चिपसेट के साथ इस बिल्ड को बनाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट। करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड हमने लिया है गैलेक्स GTX 1650 सुपर, 4GB रीरैम, 1 क्लिक OC एडिशन। तो आप इसको आराम से ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं और ये हमें पड़ा 13,400 रुपये का। नाउ बात करते हैं रैम की गाइस। तो रैम हमने यूटिलाइज़ की है कॉर्सियर वेंजेंस LPX DDR4, 16GB की सिंगल स्टिक है, 8GB की 2 स्टिक नहीं है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मदरबोर्ड पे आपको 2 ही ऑप्टिमाइज स्लॉट मिलते हैं, तो वो इन द फ्यूचर 16GB की दूसरी एक स्टिक परचेज कर लेंगे जिससे कि वो 32GB डुअल चैनल में यूज़ कर पाएंगे। एंड इसकी कॉस्ट पड़ी हमें 5,500 रुपीज़। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे SSD की गाइस। तो SSD हमने ली है किंगस्टन की 240GB, इसकी कॉस्ट पड़ी हमें अराउंड 2,400 रुपीज़। और जो SMPS हमने इसमें यूटिलाइज़ किया है वो है एनटेक एटम B550, 550 वॉट का SMPS है गाइस, इसकी कॉस्ट पड़ी हमें अराउंड 2,900 रुपीज़। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है इस बजट में एंड इट्स 80+ सर्टिफाइड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे दोस्तों, मैंने 550 वॉट की सप्लाई इसलिए चूज़ करी है कि ये फ्यूचर प्रूफ भी है, यानी कि अगर आपको GTX 1650 सुपर से कभी जंप करना हुआ GTX 1660 सुपर और मे बी RTX 2060 सुपर, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कैबिनेट यूज़ की है वो है चिप्ट्रॉनिक्स MX1 RGB मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। नाउ इसकी कॉस्ट पड़ी हमें अराउंड 2,400 रुपीज़, लेकिन आई वॉज अबाउट टू गो फॉर एंट ई स्पोर्ट्स IS200TG, जो कि मैंने अपने PC, जब मैंने अपना PC बिल्ड किया था तो उसमें मैंने यूटिलाइज़ करी थी। लेकिन जैसा कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताया था, लेकिन उस कैबिनेट का स्टॉक जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, जैसी वो स्टॉक में आती है बहुत ही जल्दी वो सेल आउट हो जाती है, और दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ द सेकेंड फाइन कैबिनेट इन दिस प्राइस रेंज। और एक नॉर्मल हार्ड डिस्क हमने इसमें इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मेरे क्लाइंट के पास ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, सो ही सेड दैट ही विल बी एबल टू इंस्टॉल इट हिमसेल्फ। और यहाँ पे हमारे पूरे बिल्ड का अभी जो टोटल किया जाए वो हो चुका है 48,100 रुपये। और यहाँ पे अगर आप 1 TB की मान लीजिए हार्ड डिस्क लेते हैं मिनिमम, तो वो 2 से 2,500 रुपये की आएगी। तो मान लीजिए कि हमारा अगर आप हार्ड डिस्क उसमें यूज़ करते हैं तो पूरा जो बजट हो जाएगा वो 50,500 के करीबन हो जाएगा।
सो गाइज लेट्स स्टार्ट द बिल्ड नाउ। सो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोसेसर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले आप यहाँ पे कुछ क्लिप्स देख सकते हैं सीपीयू कूलर के लिए, बट ये क्लिप्स मुझे पता नहीं इन्होंने किस सीपीयू कूलर के हिसाब से दे रखे हैं। इसमें वो राइजन वाला जो कूलर है वो लगेगा नहीं, तो वी हैव टू रिमूव दीज। तो जल्दी से हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे गाइज हमने सक्सेसफुली क्लिप्स को रिमूव कर लिया है। अब प्रोसेसर इंस्टॉल करने के लिए आप ये जो लीवर है इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। मेक श्योर ये अच्छे से जो है इंसर्ट हो जाए, और ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा गाइज, वरना आप अपनी पिंस को डैमेज कर सकते हैं। और जब ये हो जाए तो यहाँ पे इस लीवर को हम क्या कर देंगे। बिफोर इंस्टॉलिंग दिस सी पी यू कूलर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है थर्मल पेस्ट। तो थर्मल पेस्ट आपको जो मिलता है इसमें लो ग्रेड क्वालिटी का मिलता है, कंपनी एक अच्छा क्वालिटी का थर्मल पेस्ट प्रोवाइड नहीं करती। आई डोंट नो वाई कि काफ़ी जो अदर यूट्यूबर्स हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का थर्मल पेस्ट लगाने का रिकमेंडेशन नहीं देते, इंस्टेड वो आपको कूलर बता देंगे कि भैया कूलर लगा लो एक अच्छी क्वालिटी का। आई नो गाइज कूलर भी होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन गाइज यहाँ पे एक तो हमारा बजट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब 50K में ही हमें सब कुछ करना है। और दूसरी बात गाइज, कूलर आप ले भी लें, पहले तो कूलर ही मैं चार पाँच हज़ार से नीचे का आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कूलर ले भी रहे हैं गाइज, तो उसके साथ भी यार एक अच्छी खासी डिसेंट क्वालिटी का थर्मल पेस्ट होना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग नहीं समझते, और बस अपने 200-400 रुपये बचाने के लिए इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ आता है उसी को यूज़ करते हैं, तो वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो हम इसमें थर्मल पेस्ट यूटिलाइज़ करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं ये मेरी स्क्रीन पे Noctua NT-H1 थर्मल पेस्ट। नाउ जो गाइज इस थर्मल पेस्ट से फेमिलियर है, आई नो वहीं पर रुक जाइए, मत बोलिए। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे कि भैया बहुत ही महंगा थर्मल पेस्ट है यार। तो गाइज़ 550 रुपये का थर्मल पेस्ट पड़ा है मुझे, और जहाँ से मैंने बाय किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़े बहुत प्राइसेस गाइज आपको ही पता है ऊपर नीचे होते रहते हैं। पे गाइज उसमें आपको वाइप्स मिलते हैं उसी थर्मल पेस्ट पे, पहले आप वेट वाइप लेंगे और इसको क्लीन करेंगे। यहाँ पे गाइज ये पूरा क्लीन अप हो चुका है, नाउ लेट्स इंस्टॉल दिस।
तो फाइनली हमने पीसी सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैंने वायरिंग काफी हद तक क्लीन रखने की कोशिश करी है, लेकिन यस यहाँ पे आपको ग्लास अभी नया है तो रिफ्लेक्शन काफी आ रहा होगा। नाउ बिना किसी देरी के गाइस, आप चलिए जिस मोमेंट का हम वेट कर रहे थे इसको स्विच ऑन करके देखते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है और जैसे कि रियर में जो RGB है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और राइजन के प्रोसेसर पे भी एक रेड कलर की लाइट है, वो भी बहुत कूल लग रही है। ऑन एंड ऑल गाइज, मेरे CPU से भी काफी अच्छा लुक आ रहा है और मुझे सीरियसली जेलसी हो रही है अब तो। और यहाँ पे गाइज अब बात कर लेते हैं फ्रंट RGB की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस RGB को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऊपर वाला जो बटन है उससे RGB को कंट्रोल कर रहा हूँ। इट रियली लुक्स ऑसम गाइज। आई मीन यार, 2400 रुपये में कैबिनेट भी काफी अच्छा, कमाल की कैबिनेट है। दोस्तों ये थी वो वीडियो जिसमें कि हमने आपको 50K बजट के अंदर एक वीडियो एडिटिंग प्लस गेमिंग PC बना के दिखाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कूल अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।